कपाल भाती का अभ्यास, और यह अभ्यास प्रातः वेला में या साय वेला में करें तो बिल्कुल खाली पेट करनी चाहिए सभी लोगों को। भोजन करने के बाद करना है तो 5 घंटे के बाद करेंगे, ठीक है। और सावधानी याद रखना है कि घरों में भी किसी को करवाना हो तो माँ बहनों को कभी गर्भावस्था में नहीं करवाना है, मासिक धर्म के दौरान नहीं करवाना है, और माँ बहनों को या किसी भाई को भी पेट का ऑपरेशन या हृदय का ऑपरेशन हुआ हो तो 5 या 6 महीना तक नहीं करना है, बाकी सबको करना है। 1 सेकंड में एक बार झटके से सांस को बाहर फेंकेंगे, सांस फेंकिए ऐसे, ये छींकने की कला है। झटके से सांस बाहर, पेट अंदर हो रहा है, आंख बंद कर लीजिए। 1 सेकंड 1 स्ट्रोक, 1 सेकंड 1 झटका, सांस लेने का प्रयास नहीं करिएगा भूल करके भी, अपने आप सांस स्वतः भर जाता है। हमें और आपको केवल सांस को बाहर फेंकने पर ध्यान लगाना है। करते रहे सभी लोग, कपाल भाती का अभ्यास जब करते हैं तो शरीर के अंदर में वैक्यूम पैदा करते हैं, खालीपन इसमें होता है, और जो कोशिकाएं जिसे शरीर बना हुआ है सेल्स से, जो कोशिकाएं मृत प्राय होने लगती हैं उन कोशिकाओं को यह रीजेनरेट करता है, यानी जी डीजेनरेट होने वाले कोशिकाओं को रीजेनरेट करके हमारे शरीर को यह पुनर्जीवित करता है, जीवन दान देता है कपाल भाती। शरीर के अंदर में 72,72,10,201 नस नाड़ियों को शुद्ध करता है, यह नाड़ी शोधन क्रिया भी है, और यह अभ्यास यदि लगातार करेंगे पेट मजबूत होगा, यानी गैस, कब्ज, शुगर, बीपी, लकवा, कैंसर, चर्म रोग, धातु रोग, स्वप्न दोष से लेकर के बांझपन, नपुंसकता से लेकर के थायराइड नक्सीर से लेकर के हाथी पांव फाइलेरिया से लेकर के जोड़ों के दर्द से लेकर के सभी प्रकार की बीमारियों से बच सकते हैं, यहाँ तक कि कैंसर जैसे भयंकर बीमारियों को भी हम मात दे सकते हैं, भस्म कर सकते हैं। ओम।